ये करीबन 4000 मीटर की ऊंचाई पे मैं खड़ा हूँ। और ये भाई अभी थोड़ी देर हुआ नहीं, बर्फ पूरा जम गया इधर। कल तक ठंडा बिल्कुल भी नहीं था, आज बर्फ होते ही ठंडा स्टार्ट हो गया। और अभी यहाँ स्टॉप पे जाना है। तो चलिए जी, फाइनली पहुँच गए हैं सोना खर्क सोना बुग्याल। और एक बार चेक कर लो, यहाँ ऊपर पे सिद्धनाथ जी का मंदिर है छोटा सा, और इधर का व्यू देख लो एक बार। ये सोना खर्क यानी एक रूप से गढ़वाली भाषा में बोले खर्क का मतलब होता है डेरा, यानी जैसे डेरा बनाया गया था पहले, तो कुछ टाइम बाद यहाँ बकरी वाले बकरियों को चुगाने के लिए आते हैं, और अन वालों ने इस जगह का नाम सोना खर्क रखा। और यहीं पे ज़्यादातर आप लोगों ने सुना होगा बकरी के साथ सिद्धनाथ जी रहते हैं। तो यहाँ पे अनवालों ने मंदिर बनाया है छोटा सा भगवान जी का, और बर्फ़ के कारण कभी कभी मंदिर भी ढह जाता है, केवल वहाँ पे घंटी वगैरह रह जाती है। तो देखते हैं इस बार कैसा माहौल है इधर का। बाकी सामने का व्यू तो कुछ अच्छा सा दिखाई दे रहा है अभी। जब ये बर्फ़ पिघल जाएगा तो यहाँ मखमली घास होती है एक, और रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं इधर। तो चलिए जी, फाइनली ये रहा सिद्धनाथ जी का मंदिर। जय हो सिद्धनाथ जी, कृपा बनाए रखना। और आज मैं पूजा का सामान भी लेकर आया हूँ, तो यहाँ पे पूजा कर देते हैं, उसके बाद जड़ी ढूंढने जाएंगे। आज देखते हैं आज कैसा रहता है। कल सीजन के हिसाब से तो ठीक ही रहा, 10-12 जड़ी मिल ही गए थे। बाकी आज पूजा वगैरह कर देते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो चलिए जी, फाइनली अभी पूजा वगैरह कर दी है, अब निकलते हैं यहाँ से ऊपर जड़ी ढूंढने के लिए। तो अभी मुझे ये वाली चढ़ाई चढ़ना है, तो वहाँ से उधर मिलती है जड़ी। वैसे तो इधर भी मिलती है, लेकिन आज पहले उस साइड जाएंगे, देख के आते हैं। टॉप में पहुँचा नहीं तो बर्फबारी स्टार्ट हो गई है, यहाँ देख लो सीधे बर्फ़ पड़ रही है। बाकी वहाँ नीचे से आया मैं यहाँ से ऊपर, अभी ठीक ठाक जड़ी मिल रहे थे तो मौसम ने पूरा गड़बड़ कर दिया। देखते हैं अगर बंद होगा तो जल्दी ढूंढेंगे, नहीं होगा तो आपसे जाना पड़ेगा। अभी यहाँ से ऊपर जाना है। और ये भाई अभी थोड़ी देर हुआ नहीं, बर्फ पूरा जम गया इधर, और क्या पता अभी मौसम खुल जाए तो फिर से जल्दी ढूंढना स्टार्ट कर देंगे। और वहाँ से देख लो मौसम जरा, कल तक ठंडा बिल्कुल भी नहीं था, आज बर्फ पड़ते ही ठंडा स्टार्ट हो गया। और अभी यहाँ स्टॉप पे जाना है, वहाँ से मस्त व्यू दिखता है। अगर मौसम ठीक रहा तो चलेंगे, और बुग्याल कोटी वो रहा बिल्कुल आमने सामने दिखने वाले थोड़ी देर में। तो चलिए जी, पहुँच गए अभी फिलहाल सोना टॉप में। यहाँ से ऊपर कोई चट्टान है नहीं, ना कोई पहाड़ी है। अब यहाँ से देख लो, यहाँ से दूसरी वैली स्टार्ट हो जाती है। स्टॉप से पूरा ओली वगैरह दिखता है, ओली तपोवन जोशीमठ पूरा दिखता है। और सामने अगर आपको टेंट दिखाई दे रही होगी तो यहाँ रहते हैं रिंगी वाले, तो रिंगी वालों का जंगल है इस साइड, और नीचे रहा वो रिंगी गांव। करीबन 4000 मीटर की ऊंचाई पे मैं खड़ा हूँ, और यहाँ से ये बुग्याल कोटी देख लो बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा मेरा। और यहाँ से नीचे रहा जहाँ से मैं आया था, अभी दिखाई नहीं दे रहा इस पहाड़ से। तो आज आपको सोना बुग्याल घुमा दिया, और ये पूरा है सोना बुग्याल। बाकी इसे सोना बुग्याल इसलिए कहते हैं, सोना यानी सुंदर भी होता है, अगर सोना कहा जाए तो गोल्ड। और जब सूर्य की पहली किरण इन पहाड़ों पर पड़ती है ना, तो ये सोने की तरह चमकते हैं, क्योंकि यहाँ पहाड़ ज़्यादातर ब्राउन है। अभी आपको मौसम बदला हुआ है इसलिए काला दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये पूरे चट्टाने जो है ये हैं ब्राउन, और जब इन पे सूर्य की किरण पड़ती है तो ये सोने की तरह चमकती है, इसीलिए इस जगह का नाम सोना बुग्याल के। कि अभी अभी बर्फ़ पड़ी थी तो मैं नीचे तक आया था, मैंने कहा चलो स्टॉप को कर ही लेते हैं, क्योंकि बाद में टाइम नहीं लगेगा अगर सीजन चला तो, इसीलिए इधर आ गए। तो चलिए जी, नीचे उतरते ही एक जड़ी दिख गई, और बर्फ़ आने का फायदा हो गया, क्योंकि
चारों तरफ व्हाइट दिख रहा है, बीच में जड़ी का कलर अलग ही है, तो इसीलिए फटाक से पहचाने जाते हैं।